गुड मॉर्निंग गाइस, एंड हमारी गाड़ी निकल चुकी है। आज हमारे साथ सिमरन नहीं ज्वाइन कर पाई बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, उसे थोड़ा तबीयत खराब हो गई, तो आज हम तीनों निकल गए हैं। टेक द नेक्स्ट राइट टू स्टे ऑन लैंडस्ट्रासे 63, स्ट्राटा प्रोविंशियल 63, जो कि एक बहुत ही बढ़िया हाइकिंग रूट और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा हमें, जहाँ से हम लेंगे केबल कार। पर आपको बाकी डिटेल्स नेक्स्ट मिनट में देंगे, तब तक के लिए आप भी इंजॉय कीजिए और हम भी इंजॉय करते हैं। 600 मीटर्स। तो आज हम जा रहे हैं ससीदा, ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, काफ़ी टाइम लग गया पार्किंग में, आप देख सकते हैं। तो अब हम अपनी स्की फारन, मेरे पीछे जो पीक दिख रही है, अब हमें वहीं जाना है, हमसे यहाँ से देखना है। अब देखते हैं क्या होता है, कितने की प्राइस टिकट है। आई थिंक इट्स कॉस्टली बट लेट्स सी। तो हम लोग निकल चुके हैं ससीदा की तरफ, आप देख सकते हैं हमने पकड़ लिया है एक छोटा सा उड़न खटोला। मेरे साथ ये दो यंगस्टर्स भी हैं जो काफी पीक हाइक कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, आप देख सकते हैं शानदार झरना था हमारी गाड़ी के पीछे और हम उड़ चुके हैं आकाश की ओर। बाकी डिटेल्स आपको ससीदा पहुंचकर बताएंगे। सामने की चट्टान आप देख सकते हैं, वहीं हमें जाना है, वही हमारी डेस्टिनेशन है। ये सब मैं सिमरन के लिए कर रहा हूं, देख सकते हैं आप यार ना होता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ससीदा और हमारी कैमरामैन दीपिका आपको दिखाएगी ससीदा का इस शानदार व्यू। कैन यू प्लीज शो द सराउंडिंग्स। आप देख सकते हैं शानदार व्यू है, इसमें सुंदर सुंदर से पहाड़ जो कि अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है। हम फाइनली अपने उड़न खटोले से उतर चुके हैं और उसी उड़न खटोले से हम नीचे की तरफ जाएंगे। बाकी की जानकारी आपको हम धीरे धीरे देते हैं। तो आप देख सकते हैं ससीदा का ये सुंदर सा अद्भुत नज़ारा। हम खड़े हैं ऑलमोस्ट अराउंड 2500 मीटर की ऊंचाई पर और ये है सुंदर सा ससीदा शहर जहाँ से हम आए हैं। सेंट उलरिश है, आई थिंक सेंट उलरिश है जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है और हम इसी केबल कार और फ्रंट खटोले के साथ हम यहाँ ऊपर आए हैं। ये शानदार से सीधा के क्लियर आई हैं, तो अच्छे अच्छे डोलोमाइट्स की पहाड़ियाँ। तो फाइनली हम निकल चुके हैं हाइक पर और मेरे बहुत जोर से पत्थर लग गया है, बहन जो भी यहाँ किसने निकाला। और यहाँ पर हम निकल चुके हैं अपनी हाइक पर। हम आप देख सकते हैं हमें जाना है इस चोटी पर और इस चोटी पर हम हाइक कर जाएंगे। आप देख सकते हैं हाइकिंग ट्रेल दिख रहा है, लोग यहाँ पर शानदार मौसम का आनंद लेते हुए, बहुत ही गजब मौसम हो रखा है हाइकिंग के लिए और हमारे सारे माउंटेनर्स बिल्कुल तैयार और स्लोली स्लोली हम अपने गंतव्य स्थल की तरफ बढ़ते हुए। तो हम फाइनली इस माउंट को हाइक करने वाले हैं, आप देख सकते हैं हार्ड, बहुत सारे लोग हैं और काफी सुंदर सा दृश्य, प्यारे प्यारे से हट। ये रास्ता अभी क्लोज हो गए हैं जिससे हम उतर सकते थे, देख सकते हैं सीढ़ियां बनी हुई है। हम हाफ ऑफ द वे आ गए हैं, हालत खराब हो चुकी है, बहुत ही स्टीप ट्रेल है। अभी आप देख सकते हैं इतना ऊपर हो रहा है, काफी ऊपर आ गए हैं, थकान की हालत खराब हो रही है। इवेंचुअली हम टॉप में आ गए हैं, बहुत सारा टॉप में हम आ गए हैं, ऊंचे टॉप में देख सकते हैं करण और दीपिका भी नहीं चढ़ते हैं और ऊपर से कुछ इस तरह दिखता है दोनों माइट्स इसी सीढ़ियाँ, काफ़ी सुंदर नज़ारा। फाइनली
close to this beautiful architecture. Look at this natural architecture. And we are at the top with my long hiking shoes. मजा आ गया सबको देखकर. शानदार, अति सुंदर. तो आप देख सकते हैं मैं दूसरे छोर आया हूँ पत्थर के. वहाँ करण बैठा हुआ एकदम चोटी पर. ये है करण कैमरे के साथ. ये देखिए तन्नू जाती हुई. और मेरे ठीक पीछे है ये शॉट. सुंदर सा आप देख सकते हैं. मेरे तो रूह काम गई है इस शूट को देखकर. बहुत ही ऊंचाई पर बैठा हूँ मैं. और आप देख सकते हैं पीछे कितना सुंदर सीनिक व्यू. मेरे थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि एक पाँव पिसलेगा तो मैं दोनों साइड में से कहीं भी जा सकता हूँ. बिल्कुल होल्ड कर कर मैं टॉप पर बैठा हूँ. आपके लिए आए सुंदर सी पिक्चर. डोलोमाइट्स के इस सुंदर अद्भुत नज़ारे को मैं आंखों में कैद कर लेना चाहता हूँ और कैमरे में भी आप लोगों के लिए. सो फाइनली हम उतर चुके हैं शानदार हाइक से. हम नीचे आ गए हैं और आप देख सकते हैं करण और दीपिका भी आते हुए नीचे. तो फाइनली वी आर बैक ऑन द ट्रेल. और हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये लेक. हमें इन ट्रेल से लोअर हाइक करनी है. नीचे जाना है लेक पर जाना है एंड देन विल कम बैक फ्रॉम द सेम ट्रेल अगेन 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 एंड टॉप. हमारा लक्ष्य है वहाँ. आप देख सकते हैं केबल कार की टॉप स्टेशन. सो लेट्स गो. ओ देखिए करण उतरता हुआ. हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं. हमने काफ़ी करण उतर रहा है ग्रास से. हमने काफ़ी कर लिया है ऑलरेडी. हमें थोड़ा सा और नीचे जाना है. ये तन्नू जाती हुई हमने शॉर्टकट लेने का सोचा है. सो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम लेक नहीं जा रहे हैं बिकॉज आप देख सकते हैं लेक बहुत ज़्यादा नीचे. तो हम यहीं पर चिल कर रहे हैं. काफ़ी शानदार जगह है. वहाँ पर तन्नू मज़े मार रही है. यहाँ पर करण और मैं मज़े मार रहे हैं. तो दैट इज़ द गुड थिंग. बैठे हुए हैं शानदार तरीके से. वैसे लेक ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन हम नहीं जा पा रहा बिकॉज हमें वापस जाना है जो कि 6 बजे तक ही है. सो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो फाइनली डिसाइड हो गया कि हम लेक नहीं जा रहे हैं. सामने नीचे लेक दिखती हुई बैकग्राउंड में. और हम पी रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बियर जो कि वाइस बियर है. हम इसकी ऐड नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जाके मत पीने लग जाना. और ये शानदार पॉमेस. ये बहुत ही शानदार पॉमेस है. और ये दोनों मज़े मारते हुए लव जोड़े नवविवाहित जोड़े. और इस शानदार व्यू के साथ आप देख सकते हैं बैकग्राउंड. वाओ हम खा रहे हैं बियर सॉरी पी रहे हैं बियर और पॉमेस. फाइनली हम लोग एसेंट ले रहे हैं. हमने सोचा है कि रास्ते क्यों लें. हम शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं तो हम निकल चुके हैं. अगेन हम चढ़ रहे हैं. अभी देख सकते हैं हमारा गंतव्य स्थल वो है टॉप पे. ये घर काफ़ी दूर जाना है पहाड़ियों को अपने पीछे छोड़कर. हम आगे बढ़ते हुए. हाय गाइस फाइनली हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं. स्टीपेस्ट था ये. देखिए सबकी हालत खराब हो रखी है. हॉर्स वॉज टफ. हाँ एक नौजवान काफ़ी जोर तरीके से हमारी फोटोज वीडियोज बना रहा. हाँ हमने 45 मिनट्स का रास्ता 10 मिनट्स में कवर कर लिया है. एंड वी आर इवेंचुअली वेरी फास्ट ऑन द टॉप. फाइनली हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं. आप देख सकते हैं हमने यहाँ से हाइकिंग स्टार्ट की थी. ये जो छोटी सी हट दिख रही है आपको पीछे ये वाली. और हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं. काफ़ी टायर्ड हो गए हैं. इट्स टू टायरिंग. बहुत ज़्यादा स्टीप एसेंट था. हालत ख़राब हो गई लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है. अब हम यहाँ से लेंगे अपना होटल खटोला. यहाँ से अपनी केबल कार लेंगे और अपनी कार तक जाएंगे. सो गाइज दिस आर द ब्यूटीफुल डोलोमाइट्स.
ससेरी, काफी सुंदर, काफी अद्भुत। ये पहले दिन का शानदार वीडियो लॉग आप लोगों के लिए। फाइनली गाइज वी आर बैक, हम आ गए हैं वापस जहाँ से अपनी अपनी यात्रा हमने शुरू की थी। और कमाल की बात है हमारे साथ हमारे दो फेफड़े भी आए हैं। हमें उम्मीद बता रहा हूँ, हम बिल्कुल उम्मीद नहीं थे कि हमारे फेफड़े बाहर आएंगे। हम तो बाहर तो आएंगे पर हमें उम्मीद नहीं हमारे साथ नीचे तक आएंगे। आप देख सकते हैं हम आज की जो हाइकिंग थी वो बहुत ही तगड़ी थी और यहीं पे मैं डे वन समाप्त करना चाहता हूँ। घर में सिमरन इंतज़ार कर रही है हम सबका, उसने खाना बनाया हुआ हमारे लिए, तो हम जितनी जल्दी हो सके हम जाएंगे और आपके लिए फिर से डे टू में कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए मी और करण दीपिका की तरफ से चियर्स, सी यू टुमॉरो।